वेलकम एवरीवन, स्कास्ट कश्मीर की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आ चुका है काउंसलिंग के लिए। साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस जो शुरू होने वाला है। तो आप सबसे स्कास्ट कश्मीर में जिन भी कैंडिडेट्स ने इंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था उनके लिए कितने पॉइंट से और कब कब जाना है आपको, सारा कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है सभी उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके भी पॉइंट्स वन इंट्रेंस टेस्ट में 127 से लेकर 74, यानी कि 74 और अबव 127 तक पॉइंट्स जिनके हैं वो यहां पर जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए। तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम सेशन 2021 के लिए जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं कैंडिडेट्स, तो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेन कैंपस आपको जाना है शालीमार में, ठीक है, श्रीनगर। तो क्या क्या डेट्स हैं, कब जाना है, कौन से कैंडिडेट्स को जिनके मार्क्स किस रेंज में हैं, कौन सी डेट को जाना है, सारी बात करेंगे यहाँ पे। 20th of October 2021, 20 अक्टूबर 2021 को जिनके भी मार्क्स 100 और 100 से लेकर 127 तक हैं, इन बिटवीन 127 to 100 वो जाएंगे 20 अक्टूबर 2021 को। स्ट्रीम सभी, चाहे बायोलॉजी की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, सभी जाएंगे। उसके बाद 21 अक्टूबर 2021 को जिनके भी मार्क्स 127 से लेकर 90 तक, यानी कि 90 और 90 से अबव जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जाएंगे 21st ऑफ अक्टूबर 2021 को। उसके बाद यहां पर 25th ऑफ अक्टूबर मंडे को जिनके स्कोर 80 और 80 से लेकर 127 तक, 80 से ऊपर या 80 से ऊपर जितने भी 127 तक, वो जाएंगे 25 अक्टूबर को। उसके बाद 27 अक्टूबर 2021 को 74 से लेकर 127 तक, ठीक है ना, 74 से 127 तक जिनके भी स्कोर हैं, पॉइंट्स हैं, वो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए, ठीक है। स्ट्रीम्स दोनों चलेंगी। कैटेगरी की बात करें, ओपन प्लस ऑल रिजर्व कैटेगरी सभी कैंडिडेट्स जाएंगे जिनके भी इतने स्कोर, ठीक है। मीटिंग रूम नंबर 1 एडजेसेंट टू, हाँ ये यार देख लेना क्या नाम लिखा हुआ है, पता नहीं। उसके बाद हम और इन्फॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है 9:30 AM पे, ठीक है, जो भी आपको डेट मिली है उस पर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना कर लेना है, स्कास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो कि www.scastkashmir.ac.in है, और उस पर सभी जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो फिल कर ले, ओके। और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th क्लास की मार्कशीट ले जाएंगे, ठीक है ना, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद मार्कशीट लेकर जाएंगे आपके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यानी कि 10+2 एग्जामिनेशन की आप मार्कशीट लेकर जाएंगे। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम, हाँ तो जिससे भी आप मतलब प्लस टू की है वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलती है, वो लेकर जानी साथ में। रिजर्व कैटेगरी अगर है आपके पास तो वो लेकर जानी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, जो कि अभी से मतलब कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4, ठीक है ना, 4 फोटोज लेकर जाने हैं आपको, ओके। उनके बाद यहाँ पर ओके तो लद्दाख और जम्मू रीजन से जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर कोई भी रीज़न है तो वो काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकते, ठीक है, तो वो ईमेल कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज़ जो हैं वो, यार अच्छी बात है, बड़ा लंबा सफ़र है यहाँ से राजौरी पुंछ कठुआ जम्मू से जाने वाले कैंडिडेट्स के लिए, कि वो जो है जम्मू से जाने वाले कैंडिडेट्स के लिए उधमपुर रामबन उसके बाद आपका किश्तवाड़ वगैरह, ठीक है ना, तो रियासी राजौरी पुंछ, ठीक है, इन सब के लिए मेल कर सकते हैं बिफोर 27th of October 2021, ओके। तो यहाँ पर ईमेल आईडी कौन सी जिसमें आप स्कैन करेंगे, मतलब पहले फोटो स्कैन करके, मतलब पहले मतलब उन पर थोड़ा सा क्या करना है, फोटोस्टेट कर लेनी है, उसके बाद अपना साइन कर देना है, फिर दोबारा स्कैन करके सेंड कर देने। क्या ईमेल आईडी है,
ugcounseling@scostkashmir.ac.in इस मेल पर सेंड कर देने सभी अपने डॉक्यूमेंट्स जम्मू रीजन और लद्दाख वाले कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी यहाँ पर जो है वो मतलब COVID-19 को लेकर कुछ SOPs को फॉलो करना है जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आई है, ठीक है, ये तो सब फॉलो करते हैं, आपको पता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये डेट्स थी, कौन से डेट मतलब जिस रेंज में है वो कौन सी डेट को जाना है काउंसलिंग के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। ओके, तो यहाँ पर जम्मू और लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए अलग से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो स्कैन सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेल कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी स्कास्ट कश्मीर के लिए। बेस्ट विशेज जितने भी कैंडिडेट्स हैं, 74 और 74 से ऊपर इन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। सो अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है आप सबसे शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी।